भी लाइट एक रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम के टुवर्ड्स जाती है, ठीक है, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, तो ये लोग अपन ने इसको टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइक दिस ऐसे बेंड करवाया, तो बेंड करवाया तो देखा कि दूसरे सरफेस पे जाके या दूसरे फेस पे जाके ये फिर से रिफ्रैक्शन शो करने की कोशिश करेगी, तो दूसरे फेस पे जाके अपन ने क्या किया, फिर से ऐसे डॉटेड लाइन बनाई, ये बनाया नॉर्मल, ठीक है, दूसरे फेस पे जाके हमने फिर से ऐसे डॉटेड लाइन बनाई, ये बनाया नॉर्मल, and we know that कि जब denser to rarer अगर light जाए तो वो away from the normal bend हो जाती है, अपन वही चीज उसी phenomena को यहाँ पर वापस use करेंगे और इसके path को retrace करने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखना क्या होगा, शुरुआत में light आई rarer to denser, then light जा रही है denser to again rarer, so the light ray will bend away from the normal, तो light ray कुछ इस तरीके से away from the normal bend कर जाएगी like this. And this is the refraction which is happening through a glass prism. ठीक है, sorry, glass slab. Glass slab से किस तरीके का refraction होता है हमें सामने देख पा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सीधी सी चीज है. अगर मैं देखूं, मुझसे यहाँ पूछा जाता है कि glass slab ने actually ना यहाँ पर किया क्या है, तो देखिए अगर मैं incident ray को extend करूँ, अगर incident ray को extend करूँ like this, so you can see incident ray को अगर extend कर दिया जाए, एक्सटेंड करने पे आप देखिए जाना इंसिडेंट रे कैसा चाहती थी, जो ये डॉटेड लाइन बनी हुई है, इस डॉटेड लाइन पे इंसिडेंट रे जाना चाहती थी, ठीक है, इस डॉटेड लाइन पे इंसिडेंट रे जाना चाहती थी, लेकिन ये रे ऐसी सीधी ना जाकर के अपने पाथ से क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है अपने पाथ से लाइक दिस, तो इसके पाथ में थोड़ा सा शिफ्ट मुझे देखने को मिलता है, इसके पाथ में थोड़ा सा मुझे शिफ्ट देखने को मिलता है, दिस शिफ्ट इज नोन एज द लेटरल शिफ्ट, इसी शिफ्ट को अपन क्या कहते हैं, लेटरल शिफ्ट कहते हैं, तो बेटा इसी को अपन क्या कहेंगे, लेटरल शिफ्ट कहेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल शिफ्ट, अरे भाई हमारे जो पर्टिकुलर लाइट रे आई वो लाइट रे जाना कैसे चाहती थी, एकदम सीधा जाना कैसे चाहती थी, एकदम सीधा, लेकिन वो अपने पाथ से डिविएट होके शिफ्ट हो जाती है, वो अपने रेगुलर पाथ पे नहीं जा करके थोड़े अपने पाथ से डिविएट हो जाती है, ठीक है, अपने पाथ से क्या हो जाती है, डिविएट हो जाती है, और एक उसके पाथ में हमें शिफ्ट देखने को मिलता है, इसी को अपन लेटरल शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है, फटाफट बताइए हेनरी स्क्रिप्ट क्या यहां तक सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस फटाफट बताएं हैंड रेज करके, सभी को क्लियर होना चाहिए यहां तक, नाउ नेक्स्ट हमारे पास सवाल आता है दैट व्हाई डू डिस्पर्शन डज नॉट अकर फ्रॉम ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब से डिस्पर्शन क्यों नहीं होता, ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट जो सवाल आता है वो ये आता है सर डिस्पर्शन ग्लास स्लैब से क्यों नहीं होता है, सो मैं लिखता हूं व्हाई डज ग्लास स्लैब, व्हाई ग्लास स्लैब डज नॉट शो, व्हाई डज ग्लास स्लैब डज नॉट शो dispersion. भाई glass slab जो है वो dispersion क्यों नहीं show करता है? Dispersion क्यों नहीं show करता है? ये अपन से question पूछा जा रहा है. ध्यान से देखिए क्यों नहीं करता. मेरे पास आता है ये glass slab like this. ठीक है? This is the glass slab. इस glass slab को अगर मैं diagonally cut करूं, ठीक है, इस ग्लास स्लैब को अगर मैं डायगोनली कट कर देता हूं लाइक दिस, ये मैंने क्या किया, ग्लास स्लैब लिया और उसको बीच में से कट कर दिया, डायगोनली कट कर दिया, ठीक है, अब डायगोनल कटिंग से होगा क्या, देखो एक्चुअली में ग्लास स्लैब कैसा दिखता है, मैं पहले उसको ड्रॉ करके थोड़ा सा आपको फील दिलाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए ताकि थोड़ा सा अपन को एक आइडिया रहे,
अब आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आपके पास एक ग्लास स्लैब थ्री डायमेंशन में दिखता है। आप इस ग्लास स्लैब को डायगनली कट कर दीजिए, यहां से ऐसे डायगनली हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। इस जगह से आपने ग्लास स्लैब को कट कर दिया। जैसे ही आप ग्लास स्लैब को एक जगह इस जगह से ऐसे कट करते हैं, आपको एक चीज क्लियर हो जाती है कि हाँ सर, आप अगर इस जगह से ऐसे कट करोगे तो आपको दो अलग अलग प्रिज्म मिल जाएंगे। कैसे? ये रहा देखो प्रिज्म नंबर वन, और ऐसे ही आपके पास एक आ जाता है प्रिज्म नंबर टू, ये देखो, ठीक है। और प्रिज्म की वर्किंग या प्रिज्म का जो रे डायग्राम है वो अपन पहले देख चुके हैं किस तरीके का, 92 से, ठीक है। प्रिज्म की वर्किंग जो है या प्रिज्म के थ्रू डिस्पर्शन किस तरीके से होता है उसको हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। हमने पिछली क्लास में ये देखा था कि यार सर, अगर आप एक प्रिज्म के थ्रू व्हाइट लाइट को भेजोगे तो वो डिस्पर्स हो जाएगी, वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है सर। अगर आप व्हाइट लाइट एक प्रिज्म पे डालते हो तो ऐसा होता है, लेकिन अगर उसी प्रिज्म पे आगे आप एक इन्वर्टेड प्रिज्म और रख दो, तो जो पहले प्रिज्म ने स्प्लिटिंग की है, ना बेटा, दूसरा प्रिज्म उस स्प्लिटिंग को वापस से रिकम्बाइन कर देगा। जो 7 रंग बने थे अब वो 7 रंग वापस से रिकम्बाइन हो जाएंगे और व्हाइट लाइट फिर से वापस मुझे मिल जाएगा। तो यही फंडा मैं यहां पर भी देखता हूँ, यही सेम फंडा यहां पर भी देखता हूं। जो 7 रंग हमें मिले, यहां पर हम उन 7 रंगों को वापस से दूसरे प्रिज्म के हेल्प से रिकम्बाइन कर रहे हैं, या फिर मैं बोलूं कि ड्यू टू द ज्योमेट्री ऑफ द ग्लास स्लैब इट डज नॉट शो डिस्पर्शन। ये ज्योमेट्री, अपनी ज्योमेट्री या अपनी बनावट के कारण ये इस तरीके से बना हुआ है कि ऐसा लगता है दो प्रिज्म को आपस में जोड़ा हुआ है, ये दो प्रिज्म को हमने आपस में जोड़ रखा है एक दूसरे से, ठीक है। हमने एक दूसरे से दो प्रिज्म को जोड़ रखा है और उस केस में हमें ऐसा लगता है कि हाँ भाई, यहाँ पर डिस्पर्शन जो है वो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें किसी को भी नहीं होनी चाहिए। चलिए फटाफट हैंड रेज करके बताएं मुझे कि यहां तक बात सबको क्लियर है कि नहीं। क्लास आई एम गिविंग द अटेंडेंस लिंक, अटेंडेंस फिल आउट करो, टू डिफरेंट प्रिज्म्स टुगेदर, ठीक है। दो अलग अलग प्रिज्म्स हैं जिनको साथ में ज्वाइन कर रखा है, एंड दैट इज द ग्लास प्रिज्म, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं, आसान चीज है। चलिए आप नेक्स्ट आता है हमारे पास एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास कैन गिव मी द आंसर फॉर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? व्हाट इज हैपनिंग? दिस इज द अर्थ, and let us say this is the Earth's atmosphere. This is the Earth and this is the Earth's atmosphere. Now Earth's atmosphere consists of variable layers. बहुत सारे layers से consist करके बनती है Earth की atmosphere, ठीक है। Earth's atmosphere is made up of so many layers like this. Now each layer is having a different density. हर layer की जो density है वो अलग है, हर layer की density अलग है, तो हर layer का refractive index भी अलग है. Now when a light, enters our Earth's atmosphere, हमारी light जब कोई भी Earth atmosphere को enter करती है, so it continuously bends. It continuously bends due to the layers, different layers of the atmosphere.
But a mirage effect is totally different. It continuously bends due to the different layers of the atmosphere and different refractive index of the atmosphere. It continuously bends, and this phenomena is known as atmospheric refraction. Isi phenomena ko hum kehte hain atmospheric refraction. गौर से समझना बेटा इस चीज को, बहुत आसान चीज है, बहुत मुश्किल नहीं है. आप सिर्फ इतना देखिए जो भी हमारी लाइट आ रही है वो अर्थ की वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण, अर्थ के वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर के कारण कंटिन्यूअसली बेंड होती है. कंटिन्यूअसली जब वो बेंड होती है तो मुझे पता है कि बेंड होते 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 एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा कि वो बहुत ज्यादा ऐसे बेंडिंग देखने को मिलेगी, और इसके कारण ही हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देखने को मिलता है. बिल्कुल हर्षित का सही बात है, इसी के कारण हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देखने को मिलता है. तारों का रात को जो टिमटिमाना होता है वो किसके कारण होता है? ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बिकॉज लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज हैविंग डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, चलिए बताइए सभी को ये बात क्लियर है कि नहीं. क्लियर है सबको ये बात? बहुत ही बढ़िया है, बेहतरीन, बहुत अच्छे. चलिए अब एक छोटी सी बात और देखते हैं. ठीक है, अब एक छोटी सी बात और देखते हैं. बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही बढ़िया चीज है, देखेंगे ध्यान से. मेरे पास, मैं क्या करता हूं, मैंने एटमॉस्फेयर को देखा, मैंने एटमॉस्फेयर में जैसे ही लाइट एंटर करती है वो कंटिन्यूअसली बेंड करती है. लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक और एग्जांपल होता है जो कि आप लोग मुझे बता सकते हैं. क्या एग्जांपल होता है? चैट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ. बिल्कुल सही है अर्षिता, जिसको अपन बोलते हैं अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट. अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट. ठीक है, ये जो पर्टिकुलर फिनोमेना है इसको अपन देखते हैं ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. नाउ कैसे देखते हैं तो इसकी बात करते हैं. देखो यहां पर मैं एटमॉस्फेयर को हटा रहा हूं, ये अर्थ है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है. अब अर्थ के लिए होराइजन को ड्रॉ करते हैं, तो दिस इज द होराइजन. ठीक है, दिस इज द होराइजन. ये क्या है? हमारे अर्थ का होराइजन. नाउ एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज, सनसेट और सनराइज के टाइम पे हमारा जो सन है वो होराइजन के बहुत पास होता है. होराइजन के पास होने के कारण द डिस्टेंस इज मैक्सिमम. सो व्हाट इज हैपनिंग, द सन गोज बिलो द होराइजन ड्यूरिंग सनसेट. सनसेट के टाइम पे द सन गोज बिलो द होराइजन. ठीक है, सनसेट के टाइम पे द सन गोज बिलो द होराइजन. ओके, बट द लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम द सन, बट द लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम द सन, इट गेट्स कंटिन्यूअसली रिफ्रैक्टेड लाइक दिस. इट गेट्स कंटिन्यूअसली रिफ्रैक्टेड, बट द लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम द सन, इट गेट्स कंटिन्यूअसली रिफ्रैक्टेड एंड द अपेरेंट इमेज ऑफ द सन appears to be somewhere above the horizon, and the apparent image of the sun appears to be somewhere above the horizon. So what is happening when the sun is setting? So it is slowly going below the horizon. When the sun is setting, it is slowly going below the horizon, but the light which is coming from the sun, it is getting continuously refracted due to the atmosphere, and the apparent image of the sun appears to be formed above the horizon. Jo apparent image hai sun ki, that apparent image forms above the horizon. Sunset ho chuka hai,
सनसेट हो चुका है लेकिन फिर भी उसकी इमेज दिख रही है ऊपर, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज ऑफ डिलेड सनसेट एंड अर्ली सनराइज। ठीक है, चलिए कितने मिनट तक डिले होता है सर? सर ऐसा कितने मिनट तक चलेगा कि आपका जो सन है वो तो डूब रहा है डूब रहा है डूब रहा है, कितने मिनट तक ऐसा देखने को मिलेगा कि उसकी अपेरेंट इमेज दिख रही है? तो बिल्कुल सबका आंसर सही है सर, कितने मिनट दिखेगा? तो 2 मिनट दिखेगा। काफी बच्चों ने सही आंसर मुझे दे दिया है। 2 major examples ऑफ एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एक और एक मेरे पास क्वेश्चन आता है दैट व्हाई डज द शेप ऑफ द सन अपीयर्स ओवल व्हेन वी लुक डायरेक्टली एट इट। हम सन के शेप को ओवल क्यों एक्सपीरियंस करते हैं न्यू मून के टाइम पे जब हम उसे डायरेक्टली देखते हैं? बेटा कोई आंसर बताओ, एनीवन? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, देव अग्रवाल बिल्कुल सही बात है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन सही। एट द टाइम व्हेन द सन एट द टाइम ऑफ मून, लेट अस सी मून के टाइम पे क्या होगा। सी द सन इज डायरेक्टली ऑन टॉप ऑफ अस सो द लाइट व्हिच इज कमिंग थ्रू इट इट बेंड्स नॉट दैट मच, उतना नहीं होता जितना सनसेट सनराइज के टाइम पे होता है, बट इट बेंड्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड द शेप ऑफ द सन सीम्स ओवल, ओवल दिखता है मुझे। And the shape of the sun seems oval. ठीक है, shape sun का कैसा दिखता है? Oval दिखता है। Horizon के नीचे जाता है sun, horizon के नीचे जा रहा है sun, धीरे 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 नीचे जा रहा है। But कब? Sunset sunrise के time पे। लेकिन जब noon है तो उस time पे तो sun एकदम माथे पे है, तो जो light आ रही है वो सीधी आ रही है, तो उतना ज्यादा bend नहीं करती, इसीलिए मुझे oval दिखता है। So what is the reason behind it? Naina Kashtiya and Dev Agarwal, बिल्कुल सही आंसर है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से, बिल्कुल परफेक्ट। चलिए पहले कुछ डाउट पूछ रखे हैं बच्चों ने, उसके ऊपर चलते हैं अपन। 2 मिनट दें। बेटा स्काई ऑरेंज रेड क्यों दिखता है? वो स्कैटरिंग प्रिंसिपल है। बेटा सूरज डूबेगा तो होराइजन पे ही आएगा ना, ऐसे माथे के ऊपर थोड़े ना पड़ा रहेगा। रैंडम वेवरिंग एंड फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट सीन थ्रू ए टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर राइजिंग अबव ए फायर। बेटा कहां से कॉपी पेस्ट किया है? कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? फटाफट हैंड रेज करो, चैट सेक्शन में बताओ। Very important. Only 1 or 2 students are having problem. इसका मतलब आपको अपना net check करना चाहिए। So देखिए क्या हो रहा है मेरे पास। मेरे पास क्या है? सीधी सिंपल सी चीज एक बात करते हैं अपन यहाँ पर। Atmospheric refraction के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हमसे जो question पूछा जाता है next, वो पूछा जाता है कि सर atmospheric refraction no problem, बहुत आसान चीज है। स्कैटरिंग प्रिंसिपल क्या होता है? हाउ मेनी ऑफ यू गाइज नो व्हाट डू यू मीन बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट? कितने बच्चे आप लोगों में से जानते हैं कि सर स्कैटरिंग ऑफ लाइट का क्या मतलब है? हैंड रेज करके बताओ ताकि मैं आपसे फिर पूछ के आंसर पता कर पाऊं। ऐसा मान लेते हैं मुझे नहीं आता, अब आप लोगों को मुझे समझाना है, देखते हैं कौन अच्छा समझा सकता है। भाई मुझे तो आता ही नहीं, अगर मुझे नहीं आता तो मैं किसी से तो समझूंगा, कौन समझाएगा?